मैं रात के 12:30 बजे जो है ने सौरज एक्सप्रेस की न्यूज़ वालों को बोला कि बीजापुर के एक कॉरपोरेशन कमिश्नर का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है ने ईसीपी की जो है ने ईसीबी की एंटी करप्शन ब्यूरो की जो है ने केस करने के लिए हम लोग जो है ने पूरी काउंसिल एक ठहरा करके दी है और एक करप्ट ऑफिसर आ रहा है बोल के बोलने के बाद में वो फ़ौरन 12:30 बजे रात के मेरे पास आके मेरी न्यूज़ बना रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी बात है, क्यों बोले कि तो एक बीजापुरियन बीजापुर के एक शहरी होने का वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं और हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि एक ऐसी शख्सियत को बीजापुर के एज ए कमिश्नर जो है नहीं हम लोग नहीं देखना चाहते जिसके ऊपर एक भ्रष्टाचार का जो है नहीं एक आरोप लगा है और एक पूरी काउंसिल जो है नहीं उसे एक ठहराव करके दी है कि वो जो लूट मार करके जो उनके ऊपर केसेस हुए हैं उसके ऊपर जो है नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की जो है नहीं इन्वेस्टिगेशन टीम उस पर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी उसमें गुनहगार हैं उस पर सज़ा जो भी होगी वो जो कानून में उसके लिए सज़ा होगी उसके लिए वो मतलब एक काउंसिल जो है ना ठहराव करके दी है। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि बीजापुर के एक मतलब जो एक प्यार मोहब्बत का एक जो एक वातावरण था ये हर्षा शेट्टी के जो है नी पीरियड में बहुत सारे मतलब चेंजेस आए हैं। मतलब वो बसवन गौड़ा के जो है नी नेतृत्व में काम करते हैं जब वो एमएलए नहीं थे और बसवन गौड़ा खुद जो है नी एक रैली के शक्ल में जो है नी हर्षा शेट्टी के जो है नी फेवर में जो है नी सपोर्ट में जो है नी वो खड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं ये बीजापुर की एक दुर्घटना होगी बीजापुर में कि एक करप्ट ऑफिसर जो है नी बीजापुर के महानगर पालिके का जो है नी कमिश्नर हो के वापस बीजापुर में आए और आकर बीजापुर के जो है नी लूट मार करे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को जो है नी एज ए कमिश्नर जो है नी बीजापुर की जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप लोगों को ये जो है नी ये मैसेज जो है नी लोगों तक पहुँचाना है। इतनी ही मेरी जो है नी अपील है कि जो एक मोहब्बत है बीजापुर में जो एक वातावरण चल रहा है हिंदू मुसलमान जो है नी एक मिल के रहते हैं जिसको बिगाड़ने के लिए शहर का एमएलए जो है नहीं अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और एक ये जो कहीं ना कहीं एक स्टेप जो है नहीं बीजापुर के जो डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करने का एक जो काम किए हैं एमएलए साहब इसके खिलाफ जो है नहीं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं जो है नहीं इसी सिलसिले में भी इमीडिएट जो है नहीं मैं बैंगलोर जा रहा हूँ जाकर जिस तरीके से होता है मैं इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता हूँ। नहीं अगर हमारी मतलब हमारी बात नहीं सुनी गई अगर ये गवर्नमेंट भी नहीं सुनी और फिर भी उसका ट्रांसफ़र बीजापुर में कर रहे अगर बोले तो मैं इंशाल्लाह इसके अगेंस्ट जो है नहीं कॉरपोरेशन के बाहर भी मैं स्ट्राइक करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसके खिलाफ जो है नहीं मतलब चीज़ें कर रहे हैं मतलब उसके ईसीबी के जो है नहीं एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो डिमांड करे हैं वो लोग भी मेरा साथ देंगे मैं इसी उम्मीद करता हूँ। इसी सिलसिले में मेरी बहुत सारे कॉरपोरेटर्स से बात भी हुई है और बहुत सारे कॉरपोरेटर्स ऑन द वे भी हैं बैंगलोर के लिए मैं भी इंशाल्लाह निकल रहा हूँ और ये बात जो है नहीं किसी के लिए पर्टिकुलर मतलब एप्लीकेबल नहीं होती कि मैं ओदराम के जो है नहीं सपोर्ट में या किसी और के सपोर्ट में मैं काम कर रहा हूँ। एक करप्ट ऑफिसर को ना लाने की मैं डिमांड कर रहा हूँ। अब ओदराम साहब का ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है करो दूसरे कमिश्नर को लाओ लेकिन सिवाय कमिश्नर हर्षा शेट्टी के क्यों बोले तो बीजापुर में बीजापुर को आने से पहले भी जो है ना गुलबर्गा की जेल में जो है ना अपना वक्त बिता को हैं। इंशाल्लाह बीजापुर में भी जो है नहीं ये अगर एंटी करप्शन ब्यूरो का अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर अगर तरीके से होगी तो शायद बीजापुर जेल में भी जो है ना बस इनको जो है हर्षा शेट्टी को जगह मिलेगी और वो वहाँ पे भी वक्त बिताकर वापस आएंगे। मैं सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को जो है नहीं बीजापुर का कमिश्नर ना बनने दें। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। ये पर्टिकुलर लाया जा रहा है ये जो है नहीं एक एमएलए बसवन गौड़ा की जो है नहीं ये चाल है क्यों बोले कि तो उन्होंने जो है नहीं अब मैं परसों एक चैलेंज भी किया था कि वो 6 करोड़ रुपए का जो ये किए थे उसके पूरी डिटेल्स मेरे पास है। बसवन गौड़ा पाटिल जो है नहीं उस फंड को जो है नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए अपने लेटर एड पे जो है नहीं रिक्वेस्ट किए हैं और वो जो जहाँ जहाँ वो काम हो रहा है वो पूरी मेरे पास डिटेल्स है। इंशाल्लाह मैं इसका पूरा तुम ना तफसीली में जो है नहीं जवाब दे दूँ लेकिन ये एक चीज़ है कि ऐसे ऑफिसर को ये इसलिए ला रहे हैं कि वो मतलब जो बहुत सारे उनके काम हैं हाँ करप्शन करना है। करप्ट ऑफिसर को इसीलिए लाया जा रहा है कि वो करप्शन को जो है ना बढ़ावा देना के लिए जो है ना ये कर रहे हैं और साथ ही साथ एक जो प्यार मोहब्बत का एक जो हमारा वातावरण है बीजापुर का माहौल है उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए हर्षा शेट्टी को ला रहे हैं। हाँ ये जो है नहीं कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो पूरे इसमें लिए अपने कंट्रोल में लिए जब एक ठहरा हो के उसका पूरा मतलब रेड एंड कन्फर्मेशन का भी अगर प्रोसेस होता है तो ऑफिसर्स की जिम्मेदारी रहती है और जो हमारे कॉरपोरेशन में जो लिखते पढ़ते हैं ये इसीलिए लिखते पढ़ते हैं कि वो जो है ना पूरा गवर्नमेंट को समझाएं। ये मामले में जब एंटी करप्शन ब्यूरो का जो डिमांड किए हैं पूरे कॉरपोरेटर्स ये फाइल को अभी तक वहाँ तक फॉरवर्ड नहीं किया गया। ये कहीं ना कहीं उनके चमचे चेले जो भी हैं कॉरपोरेशन में वो लोग इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब ये जो है नहीं दबने नहीं दूंगा मैं। इंशाल्लाह इसके लिए जो है नहीं
बैंगलोर तक भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं बीजापुर में हर हद तक जो है ना मैं इस ट्रांसफ़र को रोकने की कोशिश करूँगा।